हेलो दोस्तों, आज एक नया क्वेश्चन देखेंगे और आज का जो क्वेश्चन है वो लीड कोड का 2353 है और आज का क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा क्योंकि क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो 2353 क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि एक हमको डिज़ाइन करना है फूड रेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे पास फूड है और उसको मतलब कि वो जो फूड है वो किस कुजिन के अंदर आता है ये हमको बताया गया है और रेटिंग दी हुई है कि इस पर्टिकुलर फूड की ये वाला फूड जो है ये इस कुजिन के अंदर आता है और इसकी रेटिंग ये है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मान लो कि ये वाला ये चीज़ें इनपुट हमको कहीं से आ रही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये था कि एक फूड रेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना है। ठीक है, तो आपके पास फूड का ही कह रहे हैं, कुजिन का ही कह रहे हैं और रेटिंग का ही कह रहे हैं। ठीक है, तो उस वाले इस क्वेश्चन के अंदर ये तीन टाइप की वो दिए हुए हैं, ये दो मेथड दिए हुए हैं और ये कंस्ट्रक्टर दिया हुआ था इसके अंदर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको ये फूड वाला एरे मिल जाएगा, फूड्स वाला, कुजिन्स वाला एक एरे मिल जाएगा और रेटिंग्स वाला एरे मिल जाएगा। ठीक है, और अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि जो फूड आई है, अगर मानो कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, फूड आईथ एलिमेंट पर जो भी फूड लिखा हुआ है वो किस कुजिन के अंदर आता है, वो कुजिन आई रिप्रेजेंट करता है और उसकी रेटिंग क्या है, वो रेटिंग आई रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि अगर जीरोथ इंडेक्स पर कोई फूड है वो किस कुजिन के अंदर आता है, जो कुजिन के अंदर जीरोथ इंडेक्स पर वैल्यू होगी उसकी रेटिंग कितनी होगी, जो रेटिंग वाले एरे के अंदर जीरोथ इंडेक्स पर रेटिंग होगी। तो तीनों के तीनों सीक्वेंशियली हैं। ठीक है, समझ गया मेरी बात, इस वजह से मैंने ये लिखा है। और आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो आप ये लीड कोड का क्वेश्चन वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने वो छोड़ दिया पार्ट। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर ये कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर के बाद ये दूसरा मेथड है या तीसरा मेथड है, उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी फूड की रेटिंग, पहले सपोज करो कोई फूड था एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये ए बी सी कुजिन के अंदर आता था, इसकी रेटिंग थी 2, बट अब इसकी रेटिंग चेंज होने के बाद हो गई है 4। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है चेंज रेटिंग वाला, वो उस पर्टिकुलर फूड को न्यू रेटिंग बताएगा, तो तुमको उस वाली जो न्यू रेटिंग है वो अपडेट करनी होगी। ठीक है, अगर ये वाला मेथड कॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि तुमको कॉल की जा रही है कि इस पर्टिकुलर फूड की रेटिंग चेंज हो गई है। समझ गया आप मेरी बात। अब आता है तीसरा वाला मेथड। तीसरा वाला मेरा मेथड है हाईएस्ट रेटेड। हाईएस्ट रेटेड वाले में क्या था कि इस पर्टिकुलर कुजिन के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग वाला फूड है वो आप मुझे रिटर्न कर दो। समझ गया आप मेरी बात। एक फूड है वो किसी कुजिन से रिलेट करता है और उसके अंदर एक रेटिंग है। ठीक है, यहाँ मेरा फूड है, इसको थोड़ा सा वो चेंज करके मैं थोड़ा सा वो बनाने का एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फूड है, ये कहाँ बिलोंग करता है, कुजिन के साथ, और यहाँ क्या है, मेरा रेटिंग है। ठीक है, अगर इसके अंदर बोला गया कुजिन के अंदर, तो मतलब क्या है कि एक वाले कुजिन के अंदर मल्टीपल फूड आइटम्स हो सकते हैं और उस हर पर्टिकुलर फूड की जो है अलग अलग रेटिंग होगी। समझ गए आप मेरी बात। तो अब एक फूड है, कोई बात नहीं है, वो एक कुजिन के साथ है, उसकी एक रेटिंग है। अब जैसे ही उसकी रेटिंग चेंज होगी तो हो सकता है कि उस कुजिन के अंदर जो और एलिमेंट्स है उनकी भी रेटिंग का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। समझ गए। अब हमको ये किस तरीके से मतलब एक ऐसा लिंकिंग बनाना था, डिज़ाइन करना था कि ये सब फंक्शनैलिटी हमारे काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या काम किया था, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यार ये वाला पार्ट। हाँ चलो, तो इसके लिए क्या किया था, अब देखो सबसे पहले सोचो कि मुझे कैसे लिंकिंग करनी पड़ेगी। एक मुझे समझ में आ रहा है कि भाई जो भी कोई मेरा फूड है, एक पहले फूड दिया हुआ है, फिर उसके कुजिन है और उसके अंदर एक रेटिंग है। ठीक है, ये तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक फूड लेवल पर हैं। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर फूड का ये नाम है, ये इस कुजिन के अंदर आता है, ये इसकी रेटिंग है, बट एक कुजिन के अंदर मल्टीपल फूड्स हो सकते हैं। ठीक है, और हर फूड की अपनी अपनी रेटिंग है एक। ठीक है, समझ गया आप मेरी बात। तो मुझको एक तो ये डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू जो हमको वो एक ये जो एरे के अंदर दे रहा था, ये वाला फूड वाला एरे, स्ट्रिंग कुजिन्स वाला एरे और रेटिंग्स वाला एरे, ये मुझे कहीं पर एक जगह स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो यहाँ पर क्या है, अभी आप पता कर लो कि जीरो इंडेक्स पर क्या है, उसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मुझे मिल जाएगी फूड जीरो से, कुजिन जीरो से सौ कुजिन मिल जाएगा, रेटिंग जीरो से मुझे उसका रेटिंग मिल जाएगी, बट मुझे ये कहीं पर स्टोर करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक नया एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक मैंने बनाया ऑब्जेक्ट फूड क्लास का। ठीक है, अब इस वाले इस क्लास का एक मैंने फूड ऑब्जेक्ट बनाया जो इसी के अंदर होगा, उसको बोलेंगे मतलब स्टैटिक क्लास की तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक क्लास मैंने यहाँ बना दी, स्टैटिक क्लास मैंने यहाँ बनाई फूड की। अब इसके अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए जो जो मुझे प्रेजेंट थे, जैसे कि सपोज करो उस फूड के अंदर क्या क्या था, स्ट्रिंग के साथ ले लो उसका फूड नेम और दूसरा ले लो आप कुजिन का नेम और तीसरा वाला मेरा था रेटिंग, तो वो था मेरा इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो मैंने ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अपनी स्टोर कर ली। अब इनके यहाँ पर मैंने बना ली गेटर एंड सेटर।
ठीक है, तो मुझको ये पता चल गया। अब देखो ये मैंने क्यों बनाया ये बता रहा हूँ, जब चेंज रेटिंग होगी तो मुझे उसको सेट करना पड़ेगा, वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गेटर सेटर बनाकर ये वाली जो अपनी स्टैटिक वाली क्लास थी ये मैंने कंप्लीट कर ली, समझ गए आप मेरी बात। तो ये हो गया मेरा फूड ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलो इसको सेलेक्ट कर लेते, मैंने हमारा यूज किया था फूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ मुझे तीनों चीज़ें मिल गई इसके अंदर। अब आते हैं इसके बाद, अब देखो इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे कि यार किस तरीके से कैसे इसको लिंकिंग कर सकते हैं। अब एक बात सोचो, अभी जब हम यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि एक फूड है, वो फूड किसी एक कुजिन के साथ लिंकिंग है और उसकी एक रेटिंग है, और एक कुजिन जो है उसके अंदर मल्टीपल फूड आइटम्स हो सकते हैं, मतलब कि F1, F2, F3, ठीक है। इसकी रेटिंग पहले 2 है, इसकी रेटिंग 4 है, इसकी रेटिंग 7 है। तो अभी जब मुझसे पूछा गया कि इसके सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाला, इसका कुजिन का नाम ले लो X, ठीक है, कि X वाली कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट रेटेड वाला फूड क्या है, तो मैं यहाँ से 7 रिटर्न कर दूंगा, मतलब कि F3 वाला जो मेरा फूड है वो रिटर्न कर दूंगा, समझ के। अब क्या हुआ, मेरे पास रेटिंग चेंज हो गई कुछ टाइम के बाद, जैसे जोमेटो में होता है रेटिंग अपडेट हो गई, रेटिंग अपडेट होने के बाद इस 7 वाले की रेटिंग यहाँ से कटकर हो गई 1, ठीक है। अब वो पूछा गया कि एक्स कुजिन कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाला फूड कौन सा है, तो मुझे कौन सा होगा, अब होगा F2, समझ गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं है कि जैसे डेटा मेरे को पहली बार में आ रहा है तो बस मैं उसी टाइम पे अपना हाईएस्ट रेटिंग वाला वैल्यू निकाल लूँगा और उसको रिटर्न कर लूँगा। जैसे ही उसकी रेटिंग चेंज होगी तो हो सकता है कि उसकी रेटिंग बढ़ जाए घट जाए, इस वजह से सारा डेटा का जो सीक्वेंस था वो चेंज हो जाएगा, समझ गए आप मेरी बात। तो इसको किस तरीके से लिंकिंग करा जाए, तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो भी मेरा फूड नेम है, क्योंकि देखो कुजिन जो निकालोगे वो आप फूड से निकालोगे, ठीक है, या उस फूड के अंदर कुजिन और रेटिंग दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगी, तो सबसे पहले तो मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने ये वाली क्लास ले ली और मैंने यहाँ से जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी 3 एरे के अंदर, वो मैंने एक ऑब्जेक्ट करके मतलब उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, उनका तीनों का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बात आती है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, जो ये वाला मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था फॉर लूप चलाने के बाद में, मैंने उसको कहाँ रखा है, ठीक है। तो उसको मैंने कहाँ रखा है, एक मैंने एक मैप बनाया था, मैप किसका था, वो एक स्ट्रिंग कॉमा फूड ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है मेरा फूड नेम, ठीक है, क्योंकि जो मेरा फूड्स वाला एरे था उसकी आयत स्ट्रिंग पर मुझे फूड का नेम पता है, और उस क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है कि हर फूड का जो नाम है वो यूनिक है, ठीक है। इसका मतलब फूड का जो नाम है वो ऐसा नहीं है कि दो फूड के नाम जो है सेम हो सकते हैं, सबका अलग अलग है और सब यूनिक है, ठीक है। तो मैंने एक मैप बनाया जिसके अंदर मैंने फूड नेम के साथ में उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया, समझ गए। अब सपोज करो इस वाले एरे के अंदर 0, 1, 2, 3 पर कोई वैल्यू थी, ठीक है, 0 पर कोई एक आइटम था F1, ठीक है। अब मैंने ये काम किया, इस F1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, फूड का नाम F1, कुजिन क्या थी इसकी एक्स थी, रेटिंग इसकी 2 थी। अब ये जो मेरा एक फूड ऑब्जेक्ट बना था इसको मैंने कहाँ स्टोर किया, मैप के अंदर यहाँ पर, और इसकी स्ट्रिंग क्या थी, फूड नेम, मतलब कि F1 को इस वाले F0 के साथ मैंने लिंक करके यहाँ स्टोर कर दिया। अब मुझसे अगर कोई डिटेल पूछा जाता है तो मैं क्या काम करूँगा, इस मैप के अंदर से ये पता निकल लूँगा कि इस पर्टिकुलर फूड की वैल्यू क्या क्या है, ये सारी डिटेल मुझे उस पर्टिकुलर फूड की मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या काम किया, एक मैप का यूज़ किया। अब बात आती है इसका रेटिंग को कम करना, ज़्यादा करना और हाईएस्ट रेटिंग वाला, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई उसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो जो मैंने इस क्वेश्चन को किया था, मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ, मैंने कह रहा है कि सबसे बेस्ट है, बट जो मेरी समझ में आया मैं अपनी अप्रोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट ये हो गया कि मैंने इसका स्टोर कर लिया। अब आता है, देखो आपने एक इसमें ट्री मैप पढ़ा होगा और या ट्री सेट पढ़ा होगा, या इसके मतलब बहुत सारे डेटा ऑब्जेक्ट हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट ट्री के ऊपर ही क्यों चला गया, देखो मैप के अंदर और सेट के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ट्री मैप में क्या है, वो सॉर्टेड, मतलब कि आप जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर आप स्टोर कर रहे हो उनको आप किसी भी तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो सॉर्टिंग का तरीका था, जो सबसे हाईएस्ट वाली रेटिंग है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, ये सबसे लास्ट में आनी चाहिए, जैसे भी आप करोगे, तो मैंने उसको सबसे ऊपर रखा है। तो अब मुझे ये दिमाग में आया, तो यार इसके लिए ये तो मैं श्योर हो गया कि ट्री वाला ही कुछ काम करेगा, या तो मैप का काम करेगा या फिर ट्री सेट वाला काम करेगा। अब सेट वाले के अंदर क्या होता है, मतलब कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स को आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसमें यूनिक चीज़ें रहेंगी, सेम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं कर सकते। बट अब इसके अंदर पता है एक ट्विस्ट ये आता है, ये मैंने पहले नहीं बताया था, मुझे ध्यान था, इसमें ये बोला गया है कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि ये जो एक फूड आइटम 1 है और एक फूड आइटम मेरे पास 2 है, ठीक है, इन दोनों की अगर
जब वो ये तुमसे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर कुजिन के अंदर, मानो कि इसका भी कुजिन एक्स है, इसका भी कुजिन एक्स है, उसने पूछा कि एक्स वाले कुजिन के अंदर मुझे सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाला फूड को रिटर्न करो। अब आपके पास डेटाबेस में पता चला कि एक्स के अंदर फूड वन भी आता है, फूड टू भी आता है, ठीक है। अब आपने देखा कि दोनों की जो रेटिंग है वो रेटिंग दोनों की वन है, और यही दोनों की हाईएस्ट, ये सपोज करो 10 है, इसकी भी 10 है, ठीक है भाई। 10 कैटेगरी सबसे हाईएस्ट है, और 10 कैटेगरी 10 रेटिंग के अंदर दो फूड आ रहे हैं, F1 F2। अब मुझे इसमें से कौन सा रिटर्न करना है, ठीक है, इसका कुछ भी एक्स हो गया। तो उसने बताया कि इसके अंदर आप वो रिटर्न करो जिसकी, जिस फूड नेम की वैल्यू लेक्सिकोग्राफिकली कम है। समझ गया आप मेरी बात। इसमें बोला गया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट, दो फूड सेम हैं, जिनकी रेटिंग सेम है, तो आप उसको कंसिडर करोगे जिस फूड नेम की वैल्यू लेक्सिकोग्राफिकली तरीके से कम है। अब आता है लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर है कि दो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग एक्स है और एक स्ट्रिंग मेरी वाई है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। देखो आपको इसमें लिखा हुआ है एक्स इज अ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन स्ट्रिंग वाई इफ एक्स कम्स बिफोर वाई। अगर x वाली जो स्ट्रिंग है वो y से पहले आती है। अब देखो बताता हूँ, ये स्ट्रिंग x है, ये स्ट्रिंग y है। अगर मैं इस पर बनाऊँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, बट ओवरऑल कहना ये चाह रहा है कि जिस तरीके से डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं, तो अगर x वाली स्ट्रिंग पहले आ रही है और y वाली बाद में आ रही है, तो मैं x वाली को कंसिडर करूँगा। समझ गए आप मेरी बात। दोनों स्ट्रिंग हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम हैं, फूड की जो वैल्यू है, फूड के नेम जो है सबके यूनिक हैं, तो इसका मतलब फूड का वन की वैल्यू अलग होगी, फूड टू की वैल्यू अलग होगी। दोनों के दोनों स्ट्रिंग हैं, चाहे भले से ए बी सी और ए बी सी थ्री है, तो दोनों के अंदर की जो वैल्यूज हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि इसके अंदर लेक्सिकोग्राफिकली कौन सा पहले आ रहा है। वो कैसे पता करेंगे, डिक्शनरी के ऑर्डर में लिख के देख लो कि वो किस तरीके से लिखा जा रहा है। समझ गए। अब देखो ए बी सी है, सॉरी ए बी सी और ए बी सी थ्री, तो ये जो ए बी सी है वो इससे पहले आ रहा है, मतलब कि ए बी सी थ्री का जो है ये प्रीफिक्स है। तो इसमें ये बोला गया था कि एक्स जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली वाई से कम तब होगा जब वो एक्स जो है उसका प्रीफिक्स है, किसका, वाई वाले का, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ, एक्स इज अ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन स्ट्रिंग वाई इफ एक्स कम बिफोर वाई इन डिक्शनरी ऑर्डर, दैट इज इधर एक्स इज अ प्रीफिक्स ऑफ वाई और इफ आई इज द फर्स्ट पोजिशन सच दैट एक्स, ये और ठीक है वो उसने लॉजिक बताया हुआ है, बट ओवरऑल ये था कि इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो इसका प्रीफिक्स है, ठीक है। अगर आप चाहोगे मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, बट इसको आप ही छोड़ दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दो ऑब्जेक्ट मेरे को स्टोर करने पड़ेंगे। अब बात ये आती है कि यार आप किस तरीके से उसको स्टोर करोगे। अगर मानो कि मेरे पास एक क्विजिन है, अब क्विजिन का जो है ये मेरे पास एक स्ट्रिंग में दिया हुआ है, ठीक है। अब एक इसके अंदर मल्टीपल जो है वो हो सकते हैं मेरे पास फूड आइटम्स, अब उसकी हर किसी तरीके से रेटिंग होगी। तो मैंने सोचा यार अगर मैं इसको मैप में लेकर जाता हूँ तो मैप के अंदर फिर से मुझे की और वैल्यू के रूप में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं मैप के अंदर यहाँ से की और वैल्यू लेता हूँ, की में क्या होगा, कोई भी फूड आएगा या फूड का आइटम होगा। अब अगर सपोज करो कि मैंने ये वाला डेटा स्ट्रक्चर इसका बना दिया कि यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, फिर यहाँ मैंने इसको मैप की तरीके से स्टोर कर दिया। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जब इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे इसको फिर पूरा इटरेट करना पड़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। और जब मैं उसको चेंज करने के लिए अपडेट कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे को यहाँ पे कुजिन नहीं बता रहा है कि ये किस कुजिन का नाम है, सिर्फ फूड भेज रहा है और रेटिंग भेज रहा है। तो जब मैं ये वाला सीक्वेंस में लेके चल रहा था स्टोर करने के लिए, ये वाला काम नहीं करा, मतलब कि यहाँ पर मैप के साथ स्टोर करने का कुजिन कोमा मैप नहीं काम किया। फिर मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ट्री सेट की तरीके से यूज कर लेते हैं। ट्री सेट के अंदर भी आप ना कंपेरेटर यूज कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के बाद में। तो सेट के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, डुप्लीकेट नहीं होगा, और आप उसको अपने तरीके से जैसा चाहो वैसा सॉर्ट करके स्टोर कर सकते हो। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि यार एक क्विजिन है, क्विजिन क्या होगी, वो मेरा होगा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, और यहाँ आ जाएगा मेरा ट्री सेट। और ट्री सेट में, अरे यार गलती हो गई, हाँ ट्री सेट में क्या होगा, वो होगा मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, मेरा फूड ऑब्जेक्ट। समझ गए आप मेरी बात। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक मैप बन गया, ठीक है। तो ये एक मेरा मैप हो गया, और एक मेरा मैप था ये वाला पुराना वाला, जिसमें मैं क्या कर रहा था, स्ट्रिंग कॉमा फूड ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज कर रहा था। एक मेरा दूसरा मैप था जिसमें क्या था, मेरा स्ट्रिंग कॉमा फूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, तो अब जब सबसे पहले वाला, अभी मैं तुमको बताता हूँ, देखो अब मैं इसको पहले यहाँ से उठा लेता हूँ यार, ये वाला अब चीज़ मेन आ गई यहाँ से मेरी, इसको कॉपी करते हैं, चलो। अरे 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 क्या हो गया भाई, ये ऐसे नहीं करना था, ठीक है चलो।
इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ आप। चलो तो ये यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं जो एक्स्ट्रा वाली थी। हाँ देखो अब क्या था, ये मेरे पास तीन चीज़ें आ गई, यहाँ पर मैप था, ये स्ट्रिंग था, ये था, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जब मेरे पास ये फूड्स आएगा, कुजिन्स आएगा, रेटिंग्स आएगा, तो मैं क्या काम करूँगा, इसके ऊपर फॉर लूप चलाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर फॉर लूप चलाऊँगा, यहाँ पर फॉर लूप चलाऊँगा इसके ऊपर, इस वाले कंस्ट्रक्टर के ऊपर, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हो रहा होगा, जब वो लोड होगा उस क्लास को, तो मुझे सबसे पहले जो मेरा वाला जो ये ऑब्जेक्ट था, फूड ऑब्जेक्ट वाला, मुझको ये क्रिएट करना होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, एक यहाँ पर फॉर लूप चलाया, और उस फॉर लूप को चलाने के बाद मैंने ये वाला मैप बना लिया। ठीक है, मैप के अंदर मैंने क्या काम किया, स्ट्रिंग और फूड ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रिंग क्या है मेरी, ये फूड का नेम है। तो जैसे जैसे फूड नेम आता रहे और वैसे वैसे ऑब्जेक्ट आता रहे, तो मैंने इसको जो है ये वाला अपडेट कर लिया। अब वैल्यू आती है यहाँ पर, ये मेरा बन गया। साथ ही साथ में मैं इस वाले जो ये वाला जो मेरा मैप था दूसरा वाला, एक काम करते हैं इसका भी नाम रख लेते हैं, यार थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको उठा के ऊपर लेकर आता हूँ, नहीं सॉरी गलती होगी ज़रा। यहाँ से थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी, है ना। तो चलो, तो ये वाला जो सबसे मेरा जो पहला वाला मैप था वो क्या था, स्ट्रिंग कॉमा फूड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो मेरा दूसरा वाला मैप था वो क्या था मेरा, स्ट्रिंग कॉमा ट्री सेट। ट्री सेट के अंदर क्या था मेरा, फूड ऑब्जेक्ट। समझ गए। अब ये वाला जो मेरा पहला वाला जो है, इसको मैंने रख लिया कि भाई ये फूड रेटिंग का एक मैप है। ठीक है, कि मतलब कि फूड रेटिंग मैप, क्योंकि इसके अंदर सारी मेरी फूड की डिटेल है, या मान लो कि फूड डिटेल मैप कुछ इस तरीके से कुछ भी मैंने मान लो। और ये यहाँ पर दिया हुआ है मेरा जो कुजिन के साथ में मैपिंग थी, कुजिन फूड मैपिंग। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग CM और इसको बोलेंगे FM। ठीक है, ये मेरा फूड मैप है, ये मेरा कुजिन का मैप है। अब जब सबसे पहले मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर पर चलाना स्टार्ट करूँगा, तो मैंने क्या काम किया, इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर फूड्स के जो मेरा एरे दिया हुआ था, मैंने उसके ऊपर इटरेट करना स्टार्ट करा। अब सबकी लेंथ बराबर है, तो मैंने सबसे पहले तो इस वाले जो ये FM था, यहाँ पर मैंने अपना FM क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये CM भी क्रिएट करना है। यहाँ पर CM क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो सबसे जो पहला वाला स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि जो जो कुजिन्स अगर उसके अंदर पहले से प्रेजेंट हैं, तो मैं उस सेट के अंदर वाली वैल्यू डाल दूंगा, ये वाले CM के अंदर, ये वाला ट्री सेट ऑफ फूड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या है, कुजिन्स जैसे आया मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली, अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो मैंने सेट के अंदर वाली वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, और अगर तो इस तरीके से यहाँ मेरा CM बन जाएगा। अब आता है मेरा ये मेन ऑपरेशन चेंज रेटिंग वाला। चेंज रेटिंग के अंदर क्या है, मुझे फूड पता है और न्यू रेटिंग पता है, तो मैं क्या काम करूँगा, इस वाले फूड का यूज कर सबसे पहले मैं FM के मैप से ये फूड का यूज करने के बाद में मैं वहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकालूंगा, फूड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से मुझे मिला अपना फूड ऑब्जेक्ट। अब मुझे पता है कि यार इसकी रेटिंग क्या है, और इसका सारी डिटेल मुझको पता है, रेटिंग, कुजिन एंड तीसरा वैल्यू क्या था इसका, नेम। ठीक है, यहाँ मुझे तीनों चीज़ें पता चल गई। अब मैं देखूंगा कि यार ये न्यू वाली रेटिंग है, इसका ये वाला जो कुजिन आया, यहाँ से मेरा फूड ऑब्जेक्ट मिला, यहाँ से मुझे इसका कुजिन मिला, नेम मिला और रेटिंग मिला। अब मैं क्या काम करूँगा, इस कुजिन के अंदर से CM जो है, CM के अंदर मेरी मैपिंग क्या है कुजिन के साथ है, तो मैं ये निकालूंगा CM के अंदर से इस कुजिन वाले मैपिंग के साथ में कौन कौन से सेट के अंदर फूड आइटम्स प्रेजेंट हैं। ये वाला हमने इसके अंदर बना लिया था, तो इसका मतलब ये तो पक्का ये वाला फूड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, सेट के अंदर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं जो इसके अंदर ऑलरेडी ये वाला ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, जो एग्जिस्टिंग वाला ऑब्जेक्ट फूड ओ वाला था, मैं उसको वहाँ से डिलीट कर दूंगा। मैंने डिलीट कर दिया, अब क्या हुआ, CM वाले मैप के अंदर इसकी कुजिन थी मानो X, तो यहाँ पे X के अंदर ये वाला फूड आइटम अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
अब मैं क्या काम करूँगा, एक ही नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और नए ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद में जो ये न्यू रेटिंग आई है, फूड आया, नेम आया है, उसको फिर से इस वाले सीएम वाले मैप के अंदर से स्टोर कर दूंगा। समझ गया आप मेरी बात? पहले मैंने फूड, पुराना वाला जो मेरा फूड ऑब्जेक्ट था वो मैंने निकाला, उसके बाद देखा कि क्या सीएम के अंदर, उस कुजिन के अंदर वो वाला प्रेजेंट है, हाँ भाई वो पक्का प्रेजेंट होगा, और मैंने वो ऑब्जेक्ट वहाँ से रिटर्न मतलब कि रिमूव कर दिया, फिर नया वाला बनाया और नए वाले को मैंने इसके अंदर सेव कर दिया। समझ गए आप मेरी बात? अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया यहाँ पे अपडेट, अब मुझे फूड ऑब्जेक्ट वाले के अंदर भी अपडेट करना है। तो यहाँ से जो फूड ऑब्जेक्ट आया था मेरा निकलने के बाद में, इसका मैंने स्टार्टिंग में गेटर एंड सेटर दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, फूड ऑब्जेक्ट के अंदर सेट किया अपनी न्यू वाली, इसकी रेटिंग, नई रेटिंग सेट कर दी। अब इस फूड ऑब्जेक्ट को मैंने फिर वहाँ पर मैप के अंदर पुट कर दिया फूड नेम के साथ में, क्योंकि मुझे फूड नेम ऑलरेडी पता था, मुझे फूड नेम पता था, इसके बाद मैंने मैप को अपडेट कर दिया। अब मेरे पास दोनों चीज़ें हो गई अपडेट। अब आता है हाईएस्ट रेटिंग वाला। तो हाईएस्ट रेटिंग कैसे करेंगे, हाईएस्ट रेटिंग ऐसे करेंगे कि इसके अंदर ये जो मैंने सीएम वाला मैप था, सीएम वाले मैप के अंदर से जो मेरा ट्री सेट निकलेगा इस गेट के ऊपर, कुजिन निकालोगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ट्री सेट मिलेगा। ट्री सेट के ऊपर डॉट फर्स्ट आप लगा दो, हाँ ट्री सेट के ऊपर क्या, हाँ फर्स्ट आप लगा दो, ये आपको पहला वाला ऑब्जेक्ट आपको दे देगा। इसके ऊपर फिर आप डॉट गेट नेम लगा दोगे तो आपको उसका नेम मिल जाएगा। समझ गए आप?